गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर वन का क्रैश कोर्स कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग चैप्टर टू का क्रैश कोर्स कंप्लीट करेंगे। आपका चैप्टर टू एडिशन था, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एडिशन आप लोग क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री में पढ़ चुके हो और आपको फिर से क्लास फोर में भी इसको पढ़ना है। लेकिन आपने क्लास वन में टू डिजिट्स तक पढ़ा, टू में थ्री डिजिट, और जब थ्री में थे आप लोग तो फोर डिजिट तक पढ़े। अब आपको फोर में फाइव एंड सिक्स डिजिट तक एडिशन पढ़ना है, ठीक है। तो इसी में कुछ टॉपिक है। फर्स्ट है आपका एडिशन। एडिशन आपको पता है नॉर्मली एडिशन होता है इसमें जो आपको आता है बिना कैरी वाला। और सेकेंड है आपका एडिशन फैक्ट, जहाँ पे आपको एडिशन के कुछ अलग अलग तरीके हैं उनको बताया जाएगा। थर्ड है आपका एडिशन ऑफ फाइव एंड सिक्स डिजिट नंबर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने क्लास थ्री में फोर डिजिट तक का एडिशन पढ़ा था, तो यहाँ आपको फाइव एंड सिक्स डिजिट तक एडिशन पढ़ना है, तो उसको बताया जाएगा। फोर्थ नंबर है आपका फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। इसमें आपको डिजिट्स जो है उनको फिल करना है। एडिशन में जो कुछ डिजिट्स हैं वो मिसिंग होते हैं, उनको फिल करना है। ये आपको चैप्टर टू में बताया गया है, बट फिर से आज एक बार और इसको रिपीट किया जाएगा, ठीक है। फाइव नंबर है आपका फ्रेमिंग वर्ड प्रॉब्लम। क्लास थ्री तक आप लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, लेकिन अब जो है आपको क्वेश्चन से वर्ड प्रॉब्लम बनाना है, ठीक है। यहाँ पर नंबर दिया गया होगा, उसको आपको वर्ड प्रॉब्लम में चेंज करना है, आपको स्टेटमेंट खुद लिखना है, ठीक है। तो आपने ये टॉपिक देखा और इसको समझा भी, इसमें क्या क्या टॉपिक आएंगे, तो इसको मैं एक बार फिर से कॉपी पे बताऊंगी भी और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी बताऊंगी, ठीक है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो एडिशन फैक्ट्स था आपका, उसका ये इस तरीके से ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हो 235010, जिसको हम लोग रीड करते हैं 235010 प्लस 120502 इक्वल डैश था यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे 120502 फिल किया गया है, प्लस 235010, मतलब यहाँ ये नंबर भी था और यहाँ ये नंबर था। हमारा ये नंबर मिसिंग था, इसलिए हम लोगों ने इस नंबर को फिल कर दिया। आपको बताया गया था कि अगर दोनों साइड के नंबर को हमको कंपेयर करना होता है, इक्वल करना होता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नंबर को कंपेयर करते हैं कि किस साइड कौन सा नंबर है, और उसके बाद जो नंबर नहीं होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, फिल कर देते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने यहाँ देखा कि यहाँ दोनों साइड ये नंबर था बट ये नंबर नहीं था, इसलिए हम लोगों ने 120502 को फिल किया। बी नंबर आप क्वेश्चन देख रहे हो, यहाँ ब्लैंक था, प्लस वन इक्वल 326800। इसमें हम लोग क्या फिल करेंगे, तो उसमें वन ऐड करने पे 326800 आएगा। तो अगर इसमें वन ऐड करते हैं हम लोग तो ये आता है, तो इसमें हम लोग माइनस वन करेंगे तो जो नंबर हम लोग को ऐड करना था वो आ जाएगा। इसको फिर से मैं एक बार बता रही हूँ, हम लोग को ये लाने के लिए इस नंबर में वन ऐड करना था। तो अगर इन दोनों को ऐड करने से, यहाँ आप जो देख रहे हो इन दोनों को ऐड करने से हमारा आंसर आता है, तो आंसर में अगर हम माइनस वन करेंगे तो हमारा ये नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं एक बार आपको सॉल्व करके भी दिखा दे रही हूँ, मैंने पहले भी बताया है लेकिन आज भी मैं दिखा रही हूँ, ठीक है। 326800, ठीक है, इसमें हम लोग क्या माइनस करेंगे, माइनस वन, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका, जीरो में से वन नहीं जाएगा, कैरी लेंगे, 997623, ठीक है, 326799। तो आप यहाँ देख रहे हो 326799 प्लस वन क्या हो गया, 326800, ठीक है। सी नंबर है आपका, आपको पता है किसी नंबर में भी हम जीरो ऐड करते हैं तो सेम नंबर आता है, तो यहाँ हम लोग को जीरो फिल करना था,
ताकि नंबर में कोई चेंजिंग ना आए, ठीक है। नेक्स्ट में था आपका 2,17,000 में 100 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2,17,000 में 100 ऐड करेंगे तो 2,17,100 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऐड द फॉलोइंग, जैसा कि आपने फर्स्ट टॉपिक देखा था एडिशन था सिंपली, तो यहाँ 5 and 6 डिजिट का एडिशन है, तो 6 और 1 क्या हो जाएगा 7, 0 और 1 1, 9 और 0 9, 5 3 8 7 2 9। दूसरा आप देख रहे हो 4 5 4 क्या होता है, सॉरी 4 और 0 क्या होता है 4 6 3 9, 9 और 0 9, 7 2 9, 8 1 9 4 2 6। नेक्स्ट आप देख रहे हो 5 9 14 का 4, 8 7 15 और 1 16, 6 2 8 और 1 9 3, 3 और 0 3 होता है 4 2 6, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हो आप 6 5 11 का 1 कैरी 1, 9 2 11 और 1 12, ठीक है, कैरी 1 था ना, 7 4 11, 11 और कैरी 1 इसका था 2, 9 और 2 11, इसका भी कैरी 1 था तो यहाँ 12 हो गया, 12 का 2 फिर से यहाँ कैरी 1 जाएगा, और 11, 11 और 1 क्या हो जाएगा 12, 12 का 2 और कैरी 1, 7 2 9 और 1 10 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फाइंड द सम, जहाँ आपको आप देख रहे हो 3 स्टेप में आपको ऐड करना है, तो 4 6 10, 10 और 7 17, 7 और 5 12, 12 और 8 20 और 1 21, ठीक है, 2 1 3, 3 और 1 4, इसका 2 कैरी था जो 6 बन गया, ठीक है। तो 4 3 7 और 6, 13 का 3 कैरी 1 ही आ जाएगा, 5 5 10, 10 और 1 क्या हो गया 11 का 1 और 1 1 2 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आप देख रहे हो 9 और 2 क्या है 11 और 1 12, 12 का 2 कैरी 1, ठीक है, कैरी क्या होगा यहाँ 1, 3 1 4, 4 और 1 5, 8 और 7, 15 का 5 कैरी 1, 6 और 6, 12 और 8 20, 20 और 1 21, ठीक है, तो 1 यहाँ कैरी क्या जाएगा 2, 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 और 2 18, 18 का 8 कैरी 1, 2 और 4 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, ठीक है। नेक्स्ट आपका था राइट इन कॉलम एंड ऐड, ठीक है, यहाँ पे जो नंबर दिया गया था उसको कॉलम में लिखना था, फिर हम लोगों को ऐड करना था, तो आप यहाँ देख रहे हो यहाँ लाख तक का कॉलम लिखा गया है, और फिर 1,35,692 लिखा गया, फिर 4,34,307, फिर दोनों को ऐड किया गया जिसका आंसर आपका आया 5,69,999, ठीक है। बी नंबर आप देख रहे हो जहाँ 3 स्टेप में फिर से आपको ऐड करना है, तो यहाँ भी लाख तक का कॉलम लिखा गया है, और 4,23,682, नेक्स्ट है 3,29,436, 1,211, इसको ऐड करने पे आता है 8,53,329, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिल इन द मिसिंग डिजिट, यहाँ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एडिशन होगा उसमें आपका कुछ डिजिट मिसिंग होगा उसको फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ 5 था और यहाँ 7 था, तो पहले मैंने आपको बताया था कि हम लोग कंपेयर करते हैं किससे, आंसर को कंपेयर करते हैं जो गिवन नंबर रहता है उससे, अगर आंसर हमारा बड़ा होता है तो डायरेक्टली गिवन नंबर को माइनस कर देते हैं, और अगर नहीं होता है तो हम लोग आगे कैरी 1 का यूज करके उसमें से नंबर को माइनस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आंसर बड़ा था इसलिए 7 में से 5 माइनस हो जाएगा डायरेक्टली, ये क्या हो गया 2, ठीक है, तो 5 और 2 क्या हो गया 7, फिर 3 और 5 8, यहाँ 7 था और यहाँ 9 था, तो फिर से आंसर क्या है बड़ा है, तो 9 में से 7 माइनस हो जाएगा तो क्या होगा 2, फिर 6 और 0 क्या हो जाता है 6, यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ आपको कैरी लगाना पड़ेगा क्योंकि आंसर जो है वो छोटा है, मतलब 0 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है, तो 10 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 6, 3 और 3 6, और 1 क्या हो जाएगा इसका कैरी यहाँ गया था 7 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आप देख रहे हो बी नंबर, जहाँ पे यहाँ भी आपको कैरी का यूज करना है, तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 हो गया, फिर इसका कैरी वहाँ यहाँ जाएगा 2 और 1 3 और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ 6 में से 5 जाएगा 1 आएगा, ठीक है, 5 4 क्या होता है 9, ठीक है। अब यहाँ 1 है जहाँ पर फिर से हम लोग कैरी का यूज करेंगे, और 11 में से माइनस 6 हो जाएगा 5, 4 2 6, 6 और 1 7, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका 8 और 6 14, 14 का 4 कैरी 1, 3 2 5 5 और 4 9, 9 और 1 10, 7 और 4 11 और 1 12, 12 और 1 13 का 3 कैरी 1, 2 3 5 और 1 6, 6 यहाँ 8 में से माइनस हो जाएगा 6 तो क्या आएगा 2, ठीक है। और फिर 2 5 7 2 9 यहाँ 3 1 4, 4 को 9 में से माइनस कर देंगे क्या होगा 5, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड प्रॉब्लम, जहाँ आप देख रहे हो इन अ सिटी 184,272 कार्स प्लाई ऑन द रोड एवरी डे फॉलोड बाई 107,373 मोटर बाइक्स, 67,853 स्कूटर्स, हाउ मैनी व्हीकल्स इन ऑल प्लाई ऑन द रोड। एक सिटी है जहाँ पे हर दिन 184,272 कार चलते हैं, 107,373 मोटर बाइक्स और 67,853 स्कूटर, ठीक है। तो हमेशा डेली वहाँ पे कितने सारे व्हीकल्स चलते हैं, ठीक है। तो इनको आपको ऐड करना है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे 184,272 कार्स प्ले ऑन द रोड, 107,373 बाइक्स प्ले ऑन द रोड, 67,853 स्कूटर प्ले ऑन द रोड, 359,498 व्हीकल्स प्ले ऑन द रोड, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, देर आर 32,482 पेयर्स ऑफ जीन्स, 21,921 शर्ट्स एंड 18,254 टी शर्ट्स विद द होलसेल डीलर, हाउ मैनी इन टोटल क्लॉथ्स देयर विद द डीलर। यहाँ एक डीलर होलसेल डीलर है जिसके पास 32,482 जीन्स है, 21,921 शर्ट है, 18,254 टी शर्ट है। अगर तीनों को ऐड कर दिया जाए तो टोटल कितने क्लॉथ्स है होलसेलर डीलर के पास, तो यहाँ पे हम लोगों को ऐड ही करना है। तो आप देख रहे हो 32,432 पेयर ऑफ जीन्स, 21,921 पेयर ऑफ शर्ट, 18,254 पेयर ऑफ टी शर्ट और ऐड किया गया तो 72,657 क्लॉथ्स आर देयर विद द डीलर, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट था आपका फ्रेमिंग वर्ड प्रॉब्लम, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि नंबर दिया होगा उससे आपको वर्ड प्रॉब्लम बनाना है। तो यहाँ आप देख रहे हो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर एक्सिड्स 47,891 बाई 1,335, फाइंड द नंबर। एक नंबर जो है वो 47,891 को 1,335 से बढ़ा देता है, वो नंबर कौन सा होगा, ठीक है। ये आपका वर्ड प्रॉब्लम का फ्रेम बन गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 10,834 और 32,695, इसका आपका बन जाएगा इन अ लेक देयर आर 10,834 फिश एंड 32,695 अदर वाटर एनिमल, हाउ मैनी वाटर एनिमल्स आर देयर इन ऑल, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से जो भी क्वेश्चन आएगा उसका वर्ड प्रॉब्लम का फ्रेम बनाना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।